प्रयागराज जोन की 25वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल सेपक टकरा और योगा प्रतियोगिता वर्ष 2022 का समापन मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोबा द्वारा किया गया। प्रयागराज जोन की 25वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल और बास्केटबॉल महिला और पुरुष हैंडबॉल सेपक टकरा और योगा प्रतियोगिता 2022 का मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के साथ दिनांक 14/5/2022 की शाम को किया गया, जिसका शुभारंभ दिनांक 12/5/2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा किया गया था। उक्त 3 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रयागराज जोन के जनपद प्रयागराज फतेहपुर कौशाम्बी बांदा हमीरपुर महोबा चित्रकूट की टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। किसी कारणवश जनपद प्रतापगढ़ की टीम इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकी। उक्त प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार को क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा बैज और कैप लगाकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी महोबा द्वारा पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची जनपद महोबा और प्रयागराज की टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका परिचय प्राप्त किया गया और वॉलीबॉल की सर्विस कर फाइनल मुकाबले को प्रारंभ किया गया और खेल को खेल की भावना से खेलने और सफल होने की शुभकामना दी गई। वॉलीबॉल फाइनल मुकाबले में जनपद प्रयागराज विजयी रहा। प्रयागराज जोन की 25वीं अंतर जनपदीय वॉलीबॉल और बास्केटबॉल महिला पुरुष हैंडबॉल सेपक टकरा और योगा प्रतियोगिता वर्ष 2022 का परिणाम निम्नलिखित है। वॉलीबॉल पुरुष वर्ग प्रयागराज महोबा के बीच, जिसमें प्रयागराज विजेता रहा। वॉलीबॉल महिला वर्ग प्रयागराज महोबा के बीच, जिसमें प्रयागराज विजेता रहा। बास्केटबॉल पुरुष वर्ग हमीरपुर महोबा के बीच, जिसमें हमीरपुर विजेता रहा। बास्केटबॉल महिला वर्ग में बांदा प्रयागराज के बीच, जिसमें बांदा विजेता रहा। हैंडबॉल पुरुष वर्ग हमीरपुर प्रयागराज के बीच, जिसमें हमीरपुर विजेता रहा। हैंडबॉल महिला वर्ग महोबा कौशाम्बी के बीच, जिसमें महोबा विजेता रही। योगा पुरुष वर्ग महोबा प्रयागराज के बीच, जिसमें महोबा विजेता रहा। योगा पुरुष वर्ग प्रयागराज बांदा के बीच, जिसमें प्रयागराज विजेता रहा। उक्त कार्यक्रम के समापन के क्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोबा द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा के साथ विजेता रही टीमों को पुरस्कार शील्ड देकर सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों को भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने सहित शुभकामनाएं संदेश दिए गए। इस प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के द्वारा स्मृति चिन्ह गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया गया। उक्त प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक नगर श्री राम प्रवेश राय, पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षणाधीन श्री संगम कुमार, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन श्री सैन्यजीत सिंह, प्रभारी परिवहन श्री ललित नारायण द्विवेदी सहित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली टीमों के सदस्यगण और पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। मैं निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर अपने निष्पक्ष निर्णय से प्रतियोगिता को सम्पन्न कराने में अपना योगदान दिया है। दिनांक 11/5/22 को अपराह्न में टीमों का आगमन हुआ। पुरुष टीमों हेतु आवासीय व्यवस्था करी गई है और महिलाओं के लिए हमारी महिला हॉस्टल में उपलब्ध कराया गया था। आप लोगों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि किसी को कोई असुविधा ना हो। मैं सभी महानुभावों का आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं मुख्य अतिथि महोदय से 25वीं प्रयागराज जोन प्रयागराज पुलिस वार्षिक वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल योगा एवं सेपक टकरा प्रतियोगिता वर्ष 2022 को समापन करने की घोषणा करने का आग्रह करती हूं। नमस्कार, मैं 25वीं प्रयागराज जोन प्रयागराज पुलिस वार्षिक वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल योगा एवं सेपक टकरा प्रतियोगिता वर्ष 2022 का समापन घोषित करता हूं। थैंक यू। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।